मामले को लेकर नए कानून का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवर अब काम पर वापस लौटने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AIMTC के महासचिव NK गुप्ता ने कहा कि हमने हड़ताल का आह्वान नहीं किया था, हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवर अब काम पर वापस आ रहे हैं, अब एक या दो दिनों में हड़ताल सामान्य हो जाएगी। बता दें कि इस मामले को लेकर कल देर रात केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और AIMTC के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद AIMTC के पदाधिकारियों ने ट्रक ड्राइवरों को हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पर काम करते हैं, वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज़्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो हैं दोनों माफ़ कर दिए, अभ्यंस में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। बता दें कि ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन की वजह हिट एंड रन कानून का नया प्रावधान है। दरअसल हिट एंड रन केस में कई बार ये देखने को मिला है कि अगर घायल व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचा दिया जाए या उसे इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। ऐसे केस के लिए पुराने कानून के मुताबिक 2 साल की सजा का प्रावधान था और जमानत भी मिल जाती थी। हालांकि नए नियम के मुताबिक अगर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से फरार होता है तो उसे 10 साल की जेल या जुर्माना देना होगा। इस कानून को सख्त करने की मुख्य वजह यह भी है कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल करीब 50,000 लोग जान गंवाते हैं। इस कानून का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि टक्कर के बाद अगर वो भागते हैं तो उन्हें नए कानून के तहत सख्त सजा मिलेगी और अगर वो रुकते हैं तो मौके पर मौजूद भीड़ उन पर हमला कर सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि जो वाहन चालक लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर दुर्घटना करके जिसमें किसी की मौत हो जाती है वहां से भाग जाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई सख्त ही होनी चाहिए। हालांकि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बाद ये कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। अब आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इस कानून पर बातचीत करेंगे। AIMTC की सहमति से ही इस कानून पर सरकार आगे बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।